और देखिए ज़िंदगी के जो तजर्बे होते हैं वो हम अपने सीनियर से सीख सकते हैं, यही बताएंगे ज़िंदगी में क्या देखा है उन्होंने, और उनकी ज़िंदगी देखकर हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि तजर्बा ही होता है जो आदमी को आगे ले जाता है। जो गलती इन्होंने की थी हम लोग ना करें, हमारे समाज के लोग ना करें। मेरे साथ जगदीश कपूर जी बैठे हैं, जूको बैंक का स्थापना दिवस था, पीछे दिखाई रहा, तो यहाँ पर हम चलते चलते आए थे, 82 ईयर हो गए हैं, बैंक को तो 82 ईयर ही, 83 इनकी एज है। तो देखिए इधर पीछे बैंक में एम्प्लॉय जो है वो, तो उसके बाद स्टाफ है, और उसके बाद जो कस्टमर भी यहीं पर हैं, तो सभी का एक बार दिखा दो उधर से। तो ये बैंक में इन्होंने सर्विस दी है, जूको बैंक में। तो आज हमें जहाँ मिले तो कहते हैं कि मैं 6 वर्ष का था जब इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, तो कपूर साहब खुद ही बताइए जब आप पार्टीशन हुआ वहीं से हम शुरू करते हैं जी जिंदगी की शुरुआत की देखा तुम इस वेले। उस समय में जी मैं स्कूल में पढ़ता था और मेरा बड़ा भाई भी, हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे, सनातन स्कूल था बठिंडे में। तो जब हमला हुआ तो सभी बच्चों को स्कूल वालों ने उस कमरे में, बड़े कमरे में बंद कर दिया, और हमारे पिताजी को जब पता लगा तो वो हमें स्कूल से लेने आए, स्कूल से हमें लेके हमें उन्होंने घर में भेजने को भिजवा दिया। और रास्ते में उनको 2 मुसलमान मिले जो कि उनके ऊपर हमला किया गया, तो हमारे फादर ने उन दोनों को ही हलाक कर दिया वहाँ पे। ऐसे भयानक हालात थे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, उस समय समाज इतना बटा हुआ था कि जो पानी पीने की प्याऊ जिसको बोलते हैं उसमें अलग अलग टूटियाँ हुआ करती थी, एक में ये मुसलमान होगा तो उसमें से पिएगा, ये हिंदू होगा और ये सिख होगा। इतना ये समाज संकुचित था कि सभी वर्गे जो हैं अलग अलग बटे हुए थे। तो उस समय जो उसके बाद जो माहौल हुआ, जब लाहौर से हमारे हिंदू भाइयों की जो लाशें कटी हुई आई, उसके बाद इधर के लोगों का खून बहुत गर्म हुआ। उसके बाद यहाँ भी फिर मारकाट इतनी शुरू हुई कि मुसलमान जहाँ भी जितने भी रहते थे बठिंडे के अंदर, उन सब को वहाँ पे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस समय का जो मंजर था बहुत भयानक था, और ऐसे लग रहा था जैसे इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है। ये थी। उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन वहाँ महात्मा हंसराज स्कूल से पूरी करी। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, गवर्नमेंट राजेंद्रा कॉलेज। 1960 में मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ में मैंने पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग। पर उस समय पहले साल में 1960 में एरोनॉटिक इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, पर मेरे पास साधन ना होने के कारण मैं अपनी पढ़ाई उसमें नहीं कंप्लीट कर सका। 2-3 महीने के बाद मेरे को छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैंने सर्विस ज्वाइन करी, और सर्विस में मैंने सबसे पहले डाकखाने की सर्विस करी, वो भी फ्री सर्विस थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में पोस्ट ऑफिस की हड़ताल हुई थी, उसमें वॉलंटियर के तौर पे मैंने काम किया था। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करवाया। उस समय इतनी यानी कि अवेलेबिलिटी थी, अपॉर्चुनिटी थी एम्प्लॉयमेंट की, कि मैंने सुबह अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाया और शाम को मेरे को कॉल आ गई। अच्छा। यस। उस समय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चंडीगढ़ का एक छोटी सी 21 सेक्टर की कोठी में था। तो दूसरे दिन मैं जब गवर्नमेंट प्रेस है वहाँ पे सेक्टर 18 में, 18 और 17 के चौराहे पे, वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में काम किया। अच्छा। और उसके बाद प्रताप सिंह कैरो, प्रताप सिंह कैरो जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया मैंने। अच्छा। और सरला ग्रेवाल वो डायरेक्टर थी DPI उस समय। अच्छा। हाँ जी। फिर मैंने उनके पास पृथ्वी सिंह आज़ाद जो फ्रीडम फाइटर थे उनके साथ मैं स्टैनो का काम किया मैंने। अच्छा। हाँ जी। फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गया। अच्छा। ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ में। अच्छा। वहाँ पर मैंने 10 साल काम किया। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो। हाँ जी। और उसके बाद वहाँ पर हमारा काम क्या था,
कि जितने भी ये ईस्टर्न स्टेट्स थी जहाँ पर कि हमारी भारतवर्ष की इमेज इतनी अच्छी नहीं थी, उनके लोगों को वहाँ से लाके हिंदुस्तान का टूर करवाना होता था, ये बताना होता था कि हिंदुस्तान कितना महान है, तो उसमें भी हमारी भागीदारी थी। और इसी तरह से बॉर्डर एरिया में जो जवान हमारे काम करते थे उनके एंटरटेनमेंट के लिए हम यहाँ से आर्टिस्ट बुक करते थे और उनको उस एरिया में ले जाकर उनका मनोरंजन करते थे और उनका मनोबल बढ़ाते थे। ये मेरा काम था ऑल इंडिया रेडियो में। उसके बाद मैं यूको बैंक में मेरी एंट्री हुई। यूको बैंक में मैं एक्चुअली ओवरएज था उस समय, पर मेरी परफॉर्मेंस को देखकर उन्होंने ये कहा कि हमने इसी को लेना है। कितनी एज थी उस वक्त? 29 and a half। अच्छा, वहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। तो इतनी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर उन्होंने मेरी ओवर एज कंडोन करी हेड ऑफिस से, और मैंने 30 साल इस इंस्टीट्यूशन की सेवा करी बड़े दिल से, और मुझे सारी सर्विस के दौरान एप्रिसिएशन ही मिली है। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी जो आया करती थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि हिंदी के डेवलपमेंट के लिए आया करती थी कि बैंकों में हिंदी कितनी यूज़ हो रही है, तो उनकी कंडक्शन के लिए मैं इंचार्ज हुआ करता था। अच्छा। क्योंकि मुझे ऑल इंडिया रेडियो में तजर्बा था, इसलिए मुझे उनकी सब की बैकग्राउंड पता होती थी, और मैं उनको सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनके अंदर वो लेके जाया करता था। अच्छा, आपने बच्चों को क्या क्या करवाया? आपके बच्चे? मेरे दो बेटे हैं और दो बेटियां हैं। एक बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबोर्न में है और वहीं पर सेटल्ड है। दूसरा बेटा मेरा यहीं मेरे साथ है, ही जनरल मैनेजर इन ए हॉजरी फैक्ट्री। मेरी जो बड़ी बेटी है वो भी यहीं पर है और उनकी भी फैक्ट्री है यहाँ पर गारमेंट्स की। और मेरी जो छोटी बेटी है वो इस समय बेंगलोर में है और उनके हस्बैंड जो हैं वॉलमार्ट में बड़े ऊंचे अहदे पर लगे हुए हैं। यानी सब कुछ बढ़िया है? बढ़िया है। और ये सारी चीज़ तभी संभव हुई जब मुझे ऐसी इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिला। अच्छा, एक और मैं थोड़ा पूछना चाहना जगदीश जी, कपूर साहब, लोग पैसा 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 इकट्ठा करते हो, किसी काम आता है जिन्ना इकट्ठा करते हैं लोग, कहते भी हर कहना मैं इन प्रॉपर्टियां बना ली इनिया, यानी कि अपना जिंदगी वेस्ट करके बंदा लाइफ हेल्थ सब वेस्ट करके लगा के पैसे कमाता, किसी काम आते नहीं? ऐसे है जी, अगर सेहत नहीं तो कुछ नहीं है। अगर सेहत आपकी अच्छी है तो सब चीज़ आपको ठीक लगेगी, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो चाहे पैसा भी हो कुछ भी चीज़ हो सभी चीज़ फीकी है। यानी कि सेहत है तो सब कुछ है? सेहत है तो सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। ये पैसा जो है बाद में कहा आता है, पहले आपकी सेहत ठीक होनी चाहिए। इस समय मैं 83 इयर्स का हूँ और आपके सामने हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान की कृपा है और मेरे को कोई भी इसी तरह की आदत नहीं है, बीड़ी सिगरेट मांस श्रम ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करता। देखिए, ज़िंदगी जीना है तो इनकी तरह जियो। जगदीश कपूर जी, कई जगह काम किया, बड़ा तजर्बा इन्हों, हर चीज़ का तजर्बा हैगा वा। तुम सानू की मैसेज दोगे, जनता को की मैसेज दोगे? साडा जिहड़ा स्लोगन है ना, जिहड़ी साडा सोच बदलो समाज बदलेगा, असीं इस ते काम करदे पए हैगे, तुसीं की कहना चाहते लोगों को? ऐसे है जी कि अपना आचरण ठीक रखो, वट एवर यू वांट फ्रॉम द सोसाइटी यू गिव मोर टू द सोसाइटी। इफ यू विल गिव समथिंग टू द सोसाइटी यू विल बी डूइंग द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। इस समय भी मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। यानी कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। जिंदगी का जो सफ़र है बहुत अच्छा कटा और आगे भी जो सफ़र है आप अच्छा ही करेंगे। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद सर। थैंक यू।